हाँ गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास। मुझे लगता है आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, राइट? एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? सर। ओके, चलिए आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वो टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में आपको बताया था। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही बताया था, वो एक एक ऑर्गेनिज्म एक पॉइंट से शुरू होता है और उसकी काफी अलग अलग वेराइटीज अलग अलग हैबिटेट में चले जाते हैं, ताकि आपस में कॉम्पिटिशन ना हो, ताकि मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज है वो सारे के सारे यूटिलाइज हो सके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया था डार्विन फिंचेस का। अब डार्विन फिंचेस जो है वो गैलापागोस आइलैंड में रहते। अब गैलापागोस आइलैंड में जो फिंच सबसे पहले इवॉल्व होके आई थी वो सी रेडिंग फिंच। अब सी रेडिंग फिंच की जैसे वेराइटीज बढ़ी, अब कुछ वेराइटीज सी रेडिंग फिंच अमाउंट में नहीं बढ़ी। सी रेडिंग फिंच में इस तरीके से वेरिएशन आया ताकि उसका सी रेडिंग फिंच से कोई कंपटीशन ना रहे। मतलब कोई फिंच थी वो फ्रू रेडिंग हो गई, कोई कैरी ऑन यानी डेड प्लांट ईटिंग, सॉरी डेड ऑर्गेनिज्म ईटिंग हो गई, कोई कैक्टस ईटिंग हो गई, कोई नट ईटिंग हो गई, कोई फ्रूट चेंसिंग हो गई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, डिनोट करना आपने, तो फ्रूट ईटिंग, कैरियन ईटिंग, कैक्टस ईटिंग, नट ईटिंग, वुड चर्चिंग, इससे क्या हुआ, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं हुआ और सारे के सारे जितने हैबिटेट से आसपास वो सारे के सारे क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए। तो कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए, सबका साथ में रहने के लिए, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नलीफाई करने के लिए एडाप्टिव रेडिएशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक एवोल्यूशन का, जहां पर एक पॉइंट से इवोल्यूशन शुरू होता है और सारे हैबिटेट्स में जाके फैल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स। तो दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन। दूसरा एग्जांपल जब मैं एडाप्टिव रेडिएशन का लेता हूँ, तो वो आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मार्सुपियल्स। अब मार्सुपियल्स क्या है? मार्सुपियल्स मेटाथीरियंस है, मतलब ये वो मैमल्स है जिनके पास पाउच होता है, ठीक है ना, जिनका प्लेसेंटा हाफ डेवलप होता है। तो बेबी आधा तो बॉडी के अंदर होता है और बाकी पाउच के अंदर, जैसे एग्जांपल में कैंगरू। लेकिन कैंगरू एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसके अलावा और भी एग्जांपल्स है, टास्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, पैंडेन एंटीटर, और मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वोम्बैट, बैंडीकूट, मार्सुपियल मोल। ये सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे डायग्राम के साथ। आप डायग्राम के साथ इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे घर पर, ये आपका काम रहेगा कि आप उसको डायग्राम के साथ आइडेंटिफाई करें। तो मार्सुपियल्स को हम यहाँ बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। क्यों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन है, न्यूजीलैंड, उसी रीजन में मिलता है, उसको हम ऑस्ट्रेलियन रीजन कहते हैं, पूरे एरिया को वहीं मिलते हैं मार्सुपियल्स, बाकी जगह नहीं मिलता। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाता है? अगेन ये एग्जाम्पल हो जाता है किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए एडाप्टिव रेडिएशन के। तीसरा एग्जाम्पल, अच्छा इसमें मैं आपको समझाता हूँ एडाप्टिव रेडिएशन कैसे। मार्सुपियल्स सभी ना सभी क्यों ना किसी एक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे। उसके बाद एक एंसेस्टर ने क्या कहा कि मैं सिर्फ दूसरों का शिकार करके खाऊंगा, वो वुल्फ बन गया, वो गया टास्मेनियन वुल्फ। फिर एक उससे थोड़ा नीचे कंज्यूमर रहा, एक अगेन कंज्यूमर ही है, मीटीटर ही है, टाइगर कैट बन गया, है ना। दोनों एक चीज पे कभी फीड नहीं करते, ठीक है ना, ये बड़े ऑर्गेनिजम्स पे, तो सर थोड़े छोटे ऑर्गेनिजम्स पे या बच्चे ऑर्गेनिजम्स पे, अरे पसंद है। फिर बैंडिट एंट इधर, ये एंट खा रहा है, ठीक है ना, मोल बड़ों में चला गया, ठीक है। इसने अब हो सकता है, देखिए यहाँ पे हैबिटेट की बात नहीं आती, यहाँ बात आती है निश की, NISH। अब निश क्या होता है? निश इज द सम टोटल ऑफ, ऑल द रिक्वायरमेंट्स एन ऑर्गेनिज्म हैज। मान लो दो ऑर्गेनिज्म को सेम चीज खानी है, एक खा रहा है पेड़ के ऊपर, एक एक खा रहा है जमीन पे, तो कॉम्पिटिशन हट गया, ठीक है ना, या दोनों को जमीन पे रहना है लेकिन खानी अलग अलग चीज है, तो भी कॉम्पिटिशन हट गया। तो नेक्स्ट क्या होती है कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, उनका सम टोटल, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा एनवायरमेंट चाहिए, तो उनका सम टोटल नेश होता है, ठीक है ना। तो इन सबने अपने अपने एक्चुअल में नेश अलग कर लिया, ठीक है, अगली बार समझ में। अच्छा रैट है वो अलग चीज खा रहा है, ठीक है, कैंगरू है वो ग्रासलैंड में रह रहा है, ठीक है, वोम्बैट पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, ठीक है ना, और एक होता है शुगर ग्लाइडर, वो हवा में उड़ रहा है। तो सबने अपने 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 हैबिटेट
हैबिटेट्स अलग अलग चुन लिए हैं। इससे दो काम हुए, एक तो कॉम्पिटिशन नहीं हुआ और जितनी आसपास रिसोर्सेस थी सारी मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई है। आ बात समझ में? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चार तरीके की सब्जियां हो और सब लोग एक ही सब्जी खाने को क्या पसंद कर रहे हो, तो एक सब्जी तो खत्म हो जाएगी और तीन सब्जी बची रह जाएंगी। लेकिन अगर चारों अपने चॉइसेस को बांट ले और कोई एक सब्जी, दो सब्जी, तीन सब्जी, चार सब्जी, सब लोग अपने सब्जियां चूज कर ले तो सबका पेट भर जाएगा और सबके हिस्से में बराबर बराबर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जियां भी आ जाएंगी। तो वो ऐसा वाला है कि जो जो सबने खाना है, सबने अपना खाना अलग अलग कर लिया ताकि सब लोग एक ही जगह पर बिना किसी कॉम्पिटिशन के आराम से खुशी से सर्वाइव कर सके। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द अडैप्टिव वेरिएशन। ये डार्विन फिंचेस का, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। अब सर सर एक आपको कुछ कह डाउट रहे था सर, डार्विन बोलो। फिंचेस में उन्हें एक इंटरनल फोर्स, जैसे लमार्केज में आपने बताया था उसमें इन्हें इंटरनल फोर्स तो लगानी पड़ी होगी ना वेरिएशन के लिए सर। जैसे वो सारे पहले सी रीडिंग थे तो वो वेरिएशन की वजह से है, इंटरनल फोर्सेस। वो तुम लमार्केज्म की बात कर रही हो, वेरिएशन हमेशा होता है। डार्विन ने बोला था सर यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा, इन्हें क्या? इंटरनल फोर्स ही तो लगानी पड़ी होगी अपने हैबिटेट हैबिटेट को चेंज करने के लिए। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, क्या कहने जा रहे? दोबारा बोलो। हाँ, नहीं दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रही हूँ कि डार्विन फिंचेस में लेमार्केज में अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों डार्विन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इंटरनल फोर्स लगा लेना लमार्केज में क्या? तुमको ये लगता है कि रिक्वायरमेंट थी सीड खाने की, ठीक है, तो सॉरी रिक्वायरमेंट थी नीड नट खाने की या वो कैलियम खाने की, तो वो ऐसे मॉडिफाई हुआ, चलो कैरन खा लेते हैं? ऐसा नहीं हुआ। सी रीडिंग से हो सकता है चार वैरायटी बनी हो, उसमें जो कैरन रीडिंग थी वो फीजिबल थी, फीजिबल थी तो वो उस एरिया में ज्यादा इवॉल्व हो गई। अब अगर तुम लेमार्केज्म की बात करती हो, ठीक है, तो हर एरिया के अंदर देखो अल्टीमेटली वेरिएशंस हो रही हैं और फिर वेरिएशंस का सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है कि सी रीडिंग भी बढ़ रही है और कैरन रीडिंग बढ़ रही है, लेकिन सी रीडिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और नहीं बढ़ पा रही, लेकिन जो उसमें कैरन रीडिंग है वो सर्वाइव कर रही है। आ रही बात समझ में? नहीं समझी? अब सर समझ गए। एनीबडी एल्स? आई सपोज ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक आपकी खामोशी का मतलब हाँ समझ रहा हूँ।
तो जो चीज आपने मार्सुपियल्स में देखी, ये दो चार नाम आप और ऐड कर सकते हैं मार्सुपियल्स में, जैसे मार्सुपियल मूल पहले भी बोला था, बैंडेड एंटीटर इज आल्सो नोन एज नंबैक, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, बैक की तरह होता है, इसको शुगर ग्लाइडर भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब मेरे पास ध्यान चलेगा, तो जो चीज आपने मार्सुपियल्स के अंदर देखी, ठीक है ना, मार्सुपियल्स के अंदर ऑब्जर्व करी, वो सेम चीज आप प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सेम चीज आप प्लेसेंटल मैमल्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो क्या चीज है कि प्लेसेंटल मैमल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग तरीके की, कोई वुल्फ है, कोई मोल है, कोई एंटीटर है, कोई माउस है, कोई लेमूर है, कोई फ्लाइंग स्क्विरल है, कोई बॉबकैट है, कोई कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई मोल है, कोई एंटीटर है, कोई वुल्फ है, कोई माउस है, सबके खाने के तरीके अलग अलग है, सारे कॉम्पिटिशन आपस में नहीं कर रहे, इसलिए मिलकर साथ में रह पा रहे हैं एक ही जंगल में, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये प्लेसेंटल हो गए, ये मार्सुपियल्स हो गए। अब मैं प्लेसेंटल मैमल्स को देखूं तो ये भी क्या शो करते हैं, एक जगह पे अगर सारे प्लेसेंटल मैमल्स को मैं ऑब्जर्व करूं तो ये भी शो करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, राइट। जिस तरीके से कोई ना कोई प्लेसेंटल मैमल आया होगा, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट क्या बनी होगी, वेराइटी बनी होंगी, तो दे अगेन शो वॉट द एडाप्टिव रेडिएशन। अब इन सब में आप क्या कॉमन देख रहे हो कि एक पॉइंट से शुरू हुआ डाइवर्ज किया, एक पॉइंट से शुरू हुआ डाइवर्ज किया, डार्विन फिंचेस डाइवर्ज, मार्सुपियल्स डाइवर्ज, प्लेसेंटल मैमल्स डाइवर्ज, ये तीनों जब आप इंडिपेंडेंटली देखोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं क्योंकि किताबों किताबों में ही ऐसे दरख्त है, एक पॉइंट से शुरू हुए डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हुए, या ऑल द थ्री व्हेन टेकन इंडिपेंडेंटली इट इज टर्म्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये सब एडाप्टिव रेडिएशन के डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल्स। क्लियर। अब आखिरी में मेरी बात ध्यान सुनेगा, एनसीईआरटी में एक ऐसे एक चार्ट दिया हुआ है, इधर लिखे हुए प्लेसेंटल मैमल्स, इधर लिखे हुए उनके मार्सुपियल्स, जो मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे प्लेसेंटल में वुल्फ है, मार्सुपियल में टास्मेनियन वुल्फ है, यहाँ मोल है, वहां मार्सुपियल मोल है, यहाँ एंटीटर है, यहाँ बैंडेड एंटीटर है, यहाँ माउस है, वहां मार्सुपियल रेड है, मार्सुपियल माउस है, यहाँ लेमूर है, वहां स्पॉटेड कस्कस है, यहाँ फ्लाइंग स्क्विरल है, यहाँ फ्लाइंग फैलेंजर है, यहाँ बॉब कैट है, यहाँ टास्मेनियन टाइगर कैट है। तो जब मैं दोनों को साथ में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जैसे एनिमल्स यहाँ पर, मतलब हर मार्सुपियल कोई जो भी मार्सुपियल, कई मार्सुपियल जैसे हैं जिनके एक सिमिलर वैरायटी आपको प्लेसेंटल मैमल्स में भी मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने लिखे हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेंटल मैमल्स ये रहे, इनको आपको याद रखना है, एक एक का आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एनिमल याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ लेगा वो कि एंटीटर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, बैंडेड एंटीटर, और प्यार से बात है नंबैक, तो नंबैक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, लेमूर का कौन है, स्पॉटेड कस्कस, वो हो सकता है, बॉब कैट का क्या है, टाइगर कैट, या टाइगर कैट का पूछने का कौन सा है, बॉब कैट, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है किसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, पे अटेंशन, अब इन दोनों को जब हम साथ में ऑब्जर्व करें, समझिएगा, आपने क्या देखा, एक मार्सुपियल था मोल बन गया, वो है ना, वो मोल बना, अरे बस हमें एक मार्सुपियल था वो मोल बना, ठीक, प्लेसेंटल में भी कोई प्लेसेंटल नाम था मोल बन गया, वो रैड, यहाँ रैड बना, वहां पे भी रैड बना, वहां पे टाइगर बना, यहाँ पे टाइगर बना, यहाँ पे एंटीटर बना, वहां भी एंटीटर बना। तो जब आप मल्टीपल जो ये मतलब कि ये दो जो अडैप्टिव रेडिएशन है इनको जब आप साथ में रख दो, ये भी ऐसे डाइवर्जिंग, ये भी ऐसे डाइवर्जिंग, लेकिन जब आप इन दोनों को साथ में रख दो तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक ही तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, कि प्लेसेंटल भी ऐसे 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 मतलब कि चार डायरेक्शन में, मोल टाइगर कैट ये वो रैंडम का ना, मतलब एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है ना, मोल भी ऐसे आया बीच में टाइगर कैट, एक आया बीच में ही टाइगर कैट, माउस, मोल, लेमूर, फ्लाइंग फैलेंजर, ये सब इसी तरीके से, और प्लेसेंटल भी ऐसे, ये वो रैट माउस हो गया, टाइगर हो गया, है ना, ये कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, लेमूर हो गया, वो भी इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो जब इन दोनों को साथ में ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब आप इंडिपेंडेंटली देखोगे
प्लेसेंटर को और इंडिपेंडेंटली देखोगे मार्सुपियल को तो दे आर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन जब प्लेसेंटर एंड मार्सुपियल मैमल्स को दोनों को साथ में ऑब्जर्व करोगे, एक साथ बोलोगे कि दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, तो दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। याद रखना जब मैं सबकी बात करूंगा तब क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। तो एडाप्टिव रेडिएशन कन्वर्जन भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ये बात याद रखेगा। जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन हम साथ में देखते हैं जैसे कि प्लेसेंटल और मार्सुपियल, तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाता है जब दोनों ही एक ही तरीके से इवॉल्व हो रहे हो। तो इज दैट लाउड एंड क्लियर एवरीबॉडी? गुड डाउन सर, मार्सुपियल वाले समझ नहीं आया, क्या समझ आता है मार्सुपियल बारे में? क्या होता है मार्सुपियल? क्या मार्सुपियल वाला एक और बताना क्या था? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तेज बोल। सर मार्सुपियल वाले एनिमल्स कौन से थे? मार्सुपियल वाले एनिमल्स कौन से हैं बेटा? ये मार्सुपियल एनिमल्स हैं। सर मार्सुपियल का मतलब क्या बताया आपने? मुझे मार्सुपियल का मतलब जानना है, है? कोई अमन को मार्सुपियल का मतलब बताओ सर। ये सब लोगों कितने जिनका लोगों का डाउट है? प्लेसेंटा सर हाफ डेवलप प्लेसेंटा और जिनके पास पाउच होते हैं। कोई कोई इंसान जो क्लियरली बताए, नेहा अगर कुछ कह रही थी तुम? सर हाफ डेवलप प्लेसेंटा तो और क्या होता है? और क्या होता है? सर उनके पास पाउच होता है। वेरी गुड। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनको मार्सुपियल क्या होते हैं उस पर डाउट है, सिवाय C01 के? मैं C01 की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी उसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में जिनको ये नहीं पता कि मार्सुपियल क्या होता है? पहले तो जिन जिन लोगों का ये सवाल है कि मार्सुपियल क्या होता है, पहले तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, ठीक है? अब शर्म तो आपको चलो आ ही जाएगी, उसके बाद आंसर बताना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बता देता हूँ। हालांकि मुझे बताते हुए बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि जब मैंने आपको मैमल्स पढ़ाए थे तो बहुत चीख चीख कर तीनों में डिफरेंसेस सब चीजें बताई थी। जब मैंने आपको मैमल्स पढ़ाए थे तो तुम लोगों को मैंने क्लियरली बताया था मैमल्स तीन तरीके के होते हैं। पहला जो मैमल्स इवॉल्व होते हैं एग लेइंग मैमल्स, जिसको हम प्रोथेरियंस बोलते हैं। फिर मैमल्स में प्लेसेंटा आ गया लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, तो आधी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रही थी, आधी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रही थी, बाहर का पाउच में। पाउच क्या? मार्सुपियम। तो उनको हमने बोला था मार्सुपियल्स या मेटाथेरियंस। और उसके बाद ट्रू मैमल्स यानी प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व हुए जिनकी प्लेसेंटा फुली डेवलप थी, जिनको हमने यूथेरियंस बोला। काउ, बफेलो, रैट, पिग, डंकी, मंकी और आप सब ट्रू मैमल्स हैं। कैंगरू, वॉम्बैट, कोआला, बैंडिकू, ये सब मार्सुपियल्स हैं। डगबिल्ड प्लैटिपस वो प्रोथीरियन है, वो एगलिंग मैमल है। तो तीन तरीके के मैमल में बीच वाले मार्सुपियल्स होते हैं जिनके पास पाउच होता है, जिसके पाउच में डेवलपमेंट होती है, जैसे कि कैंगरू। अभी डाउट है तुमको अमन पॉल? नो सर अब क्लियर है। तुमको ये समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा क्यों आया तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर? यस सर। एनी अदर डाउट? सर जो आपने बताया इन दोनों को साथ में रखते तो इवोल्यूशन दिखता है, वो बात मैं तो तेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है आज।
सर मैं कह रहा हूँ आपने जो बताया इन दोनों को साथ में हम जब स्टडी करते लिख के बता दूंगा, समझ में नहीं आ रहा, राइट इट डाउन, कमेंट्स में लिख, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। याद रखिएगा सिर्फ प्लेसेंटल लैमिनर से सिर्फ इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो लैटिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडैप्टिव इवोल्यूशन सबका साथ में बात करेंगे तो लैटिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हाँ जब हम साथ में पढ़ते हैं प्लेसेंटल और मार्सुपियल को तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जब साथ में रख के देखते हैं यहाँ पे भी है वहां पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ऐसा हुआ ना यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, भाई यही हुआ ना। मैंने एक पॉइंट लिया प्लेसेंटल, उसमें क्या हुआ मोल आ गया, टाइगर आ गया, लेमूर आ गया, फ्लाइंग स्क्विरल आ गई, मार्सुपियल लिया उसमें भी टाइगर आ गया, मोल आ गया, फ्लाइंग स्क्विरल आ गई, ये आ गई, तो क्या हुआ ये दैट इज कन्वर्जेंट। तो दो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट। और अगर मैं इन सबको हटा दूं दो की बात ही ना करूं सिर्फ एक को देखूं तो एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या है डायवर्जेंट एवोल्यूशन, तो यही कॉन्सेप्ट। और लोग साथ में देखेंगे तो कन्वर्जेंट है, इंडिपेंडेंट देखेंगे तो डायवर्जेंट है। नेक्स्ट तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई से मर्जी किताब पढ़ लेना ठीक है ना, कोई से मर्जी पूरे इंटरनेट पे किसी का भी लेक्चर उठा के देख लेना, तुमको अगर ये कॉन्सेप्ट मिल जाए कहीं पे भी ढंग से नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताएगा कि अडैप्टिव वेरिएशन कब कन्वर्जेंट होता है कब डाइवर्जेंट होता है, एग्जैक्टली क्यों बोल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके okay. आगे बताने जा रहा हूँ मैं आपको ठीक है। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा है कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक थी वाइल्ड मस्टर्ड, ओके नाउ आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक थी वाइल्ड मस्टर्ड, वाइल्ड मस्टर्ड में से ये मैंने अलग अलग तरीके के मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब तो मैंने मान लो मुझे वाइल्ड मस्टर्ड का सिर्फ और सिर्फ मीट वाला पार्ट पसंद आ रहा है तो मैंने इस तरीके से उसको सेलेक्ट किया, इसकी लीफ अच्छी थी
उसको लिया, फिर क्रॉस कराया उसकी लीफ अच्छी थी उसके साथ, फिर क्रॉस कराया तो लीफ वाला जो कैरेक्टर था उसको ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास निकल के आ गई एक 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 तरीके का वेजिटेबल, एक तरीके का प्लांट जिसको हम बोलते हैं केल, केल बुलाते हैं उसको। फिर मान लो मुझे उसको सिलेक्ट करना था उसके स्टेम को, मैंने स्टेम को अहमियत दी, तो मैं निकल के आ गया कोहराबी, ठीक है ना, जिसको आप आम भाषा में गंड गोभी भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गोभी की वैरायटी, ठीक है ना। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने इनफ्लोरेसेंस को वैल्यू दी, कि बहुत सारे फ्लावर्स के गुच्छे को वैल्यू दी, तो निकल के आ गया कॉलीफ्लावर, ठीक है ना, जिसको आप फूल गोभी भी बोलते हो, ठीक है ना। फिर मैंने अगेन जो अभी बर्ड्स थी, बर्ड्स जो एनक्लोज थी उनको मैंने अहमियत दी, तो निकल के आ गया कैबेज, जिसको आप पत्ता गोभी भी बोलते हो, ठीक है ना। फिर मान लो मैंने स्टेम एंड फ्लावर दोनों को अहमियत दी, तो निकल के आ गई ब्रोकली, मतलब केल, कोहलाराबी, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकली, ये सब एक ही प्लांट से इवॉल्व हुए, दैट इज वाइल्ड मस्टर्ड से इवॉल्व हुए, बार बार उनके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को तरह तरह के जैसे कैरेक्टर्स मुझे चाहिए थे उस कैरेक्टर्स के तौर पे, मतलब कि जान पूछ के उस तरीके से क्रॉस करवाना, ये वैसे ही है जैसे मैंने रेड रोज लिया, व्हाइट रोज लिया, क्रॉस कराया पिंक रोज आ गया, ठीक है ना। और एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम, यूज होती है फीमेल शीप, फीमेल शीप बीकानेर से, ठीक है ना, तो बीकानेरी बोलते हैं उसको, जैसे बीकानेरी भुजिया आता है बीकानेर से, बीकानेर जो राजस्थान में, वहां से यूज मतलब फीमेल शीप। मैरिनो रैम्स, मैरिनो एक एक्सोटिक वैरायटी है, बाहर की वैरायटी है किसकी, अगेन शीप की, रैम्स मतलब मेल, तो मेल लिए मैंने फॉरेन के, और इंडिया की क्या ली मैंने, शीप ली, दोनों को क्रॉस कराया, मतलब इंडिया की मैंने फीमेल शीप ली, बाहर की मैंने मेल शीप ली, दोनों को क्रॉस कराया हिसार में, हिसार इन हरियाणा, तो क्या मिला मुझे हिसार डेल, ये भी एक शीप है, जो क्रॉस बिटवीन बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, कि जो बाहर की वेराइटी ऑफ काउ होती है, जो बाहर की वेराइटी ऑफ शीप होती है, उनका अमाउंट ऑफ मिल्क और हेल्थ बेटर होता है, अमाउंट ऑफ मिल्क ज्यादा होता है, प्रोटीनेशियस अमाउंट ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो इंडियन काउ या मिल्क इंडियन काउ या बफेलो या शीप होती है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो मैं दोनों को क्रॉस करा के एक ऐसी वेराइटी बनाता हूँ जिसका मिल्क भी अच्छा होता है और इम्यूनिटी भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये कौन सा सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन तो साफ साफ प्रूफ है इवोल्यूशन का, एडाप्टिव रेडिएशन भी साफ साफ प्रूफ है किसका, एवोल्यूशन का। अब सवाल मेरा ये है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस तरीके से प्रूफ है इवोल्यूशन का, प्रूफ है ये बता रहा हूँ, लेकिन कैसे वो आप मुझे बताएंगे। अरे पहले इस सवाल का जवाब दे दो, तो बता देता हूँ मैं, बीकानेरी के नीचे लिखा हुआ है यूज, EWS, सर डाउट कौन पूछा, डाउट पूछ लो पहले, डाउट बता दो किसका डाउट है, क्या डाउट है। आपने बोला हमने उसके लीफ को तो खेल बना कर वो कैसे अमन क्रॉस तेरी कर, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आज, या तो तू वापस रिज्वाइन कर अपना माइक ठीक कर, या तो मुझे लिख के आंसर लिख के बोल। सर हाँ जी, किसी को पास कोई आंसर है व्हाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज एन इज अ काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, हाउ। सर हाँ सिद्धार्थ, सर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है जिसकी वजह से शायद नई वैरायटीज आई हो। अच्छा तो ये प्रूफ कैसे है एवोल्यूशन का। सर जैसे कि मान लो दो प्लांट्स हैं जिनके जिनके कैरेक्टर्स थोड़े अलग है, बट एक उनके पॉलिनेशन की वजह से एक नया प्लांट हो सके जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उन दोनों प्लांट्स से मिलते जुलते हो। हाँ
तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। हाँ क्या प्रूफ कर सकते हैं, वही पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो क्या प्रूफ कर सकते हैं। कि वो प्लांट उन दोनों के क्रॉस की वजह से आया है। हाँ थोड़ा ठीक बोल रहे हो, ठीक लाइन पे हो, मैं चलो आपको आंसर दे देता हूँ। सर हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि उसके हम डीएनए कंटेंट से भी तो पता कर सकते हैं कि अगर दो, जैसे कि जो आपने वाइल्ड मस्टर्ड का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हम किसी भी दो स्पीसीज का अगर जेनेटिक मटेरियल चेक कर लें, अगर मिलता जुलता है तो समझ जाएं कि दोनों एक दूसरे से इवॉल्व हुई हैं। तेरे से मैंने क्या सवाल पूछा और तू मेरे को क्या जवाब दे रहा है गोविंद? आपने ये तो पूछा था आर्टिफिशियल सिलेक्शन इवोल्यूशन का प्रूफ इवोल्यूशन। कैसे है, का सबूत यस कैसे है, सर और तू मुझे आंसर दे क्या दे रहा है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगाएं? वो तो मैंने डीएनए चेक कर ही लिया, सब डीएनए चेक करने के बाद, सब एनालिसिस करने के बाद तो मैंने बताया कि हाँ भाई ये सारी गोभियां आपस में रिलेटेड है और ये वाइल्ड मस्टर्ड से आई है, वरना मुझे का सपना आ रहा है कि ये की गोभी मस्टर्ड से भी आ सकती है, तो मैंने डीएनए मैंने चेक करके ही बोल रहा हूँ सारी चीजें, तो मुझे क्या बता रहा है उसमें? मैं तो ये पूछ नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ सर कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल कैसे है, मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, हाँ प्रूफ कैसे, सबूत कैसे सर है। सर जैसे हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन में एक कैरेक्टर को चूज किया, मतलब हमने सेलेक्ट किया एक कैरेक्टर को, हम ऐसे ही कह सकते हैं कि नेचर भी जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है वो आगे बढ़ता जाता है, तो एवोल्यूशन उससे। चाइना का ठीक कह रही है, ये है आंसर भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रही है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ होगा, दो स्पीसी रहे होंगे, वो आपस में ब्रीड कर रहे होंगे जिसकी वजह से नई वैरायटी बन रही होगी, या फिर वैरायटीज आ रही होंगी, या ऐसे वैरायटी आ गई होंगी, और मान लो हम दो स्पीसी को पकड़ते हो, क्रॉस कराते हो, नई वैरायटी आ ही ना पाती, तो अगर वो नहीं आ पाती तो ये हुआ कैसे, हमारे पास सवाल होगा। लेकिन क्योंकि हमने दो ऑर्गेनिज्म को लेके क्रॉस करा के देख लिया कि ऐसे वैरायटी आ जाती है, तो आ जाती है तो आ गई होगी। याद है यूरल मिलर का एक्सपेरिमेंट, यूरल मिलर ने क्या कहा था कि हार्डलिन ठीक है बोल रहा है कि केमिकल्स कंबाइन करके बन जाते हैं, लेकिन पहले करके तो देखें, अगर हमसे हो गए तो एक्चुअली हो गए होंगे, तो जब उनसे हो गए यूरे मिलर में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे हो गए तो ऐसे हुआ होगा, तो सेम आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, अगर हम दो लोगों को क्रॉस करा के वैरायटी बना सकते हैं तो नेचर तो और बड़ा है, नेचर तो हमसे बहुत पावरफुल है, तो नेचर में तो ऐसा हो ही सकता है, तो हम कर सकते हैं तो नेचर भी कर सकता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमें प्रूव कर देता है कि यस इस तरीके से एवोल्यूशन हो सकता है, और एक सबूत है किसका, एवोल्यूशन का। आई सपोज दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लीजिए। सर मुझे डाउट है हाँ बोलिए अमान, सर, अब आवाज क्लियर है अब तुम्हारी आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर है। सर? जैसे आपने बताया वाइल्ड मस्टर्ड को हमने लीव को अहमियत देकर हमने जब क्रॉस करवाया तो हमें कैले मिला, कैल मिला, तो केल सर केल, हाँ केल, केल, तो सर इसका मतलब क्या है, लीव को अहमियत देकर हमने क्रॉस कराया इस लाइन का? हाँ मैं बताता हूँ, जैसे हमने जिराफ की गर्दन को अहमियत दे के बार बार क्रॉस करवाया था कि लंबी गर्दन वालों को ही ले रहे थे हम आगे क्रॉस करने के लिए, तो फिर लंबी गर्दन वालों की अहमियत ज्यादा आएगी ना भाई, दुनिया में गोरे काले लोग दोनों तरीके के हैं, ठीक है ना? अब आपको मान लीजिए काले लोग ही चाहिए, ठीक है ना? अब आपने क्या किया, आप काले लोगों का ही क्रॉस आगे करा रहे हो, गोरे वालों को क्रॉस ही नहीं करवा रहे, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कालापन बढ़ेगा कि गोरापन बढ़ेगा? काला रंग हम बढ़ेगा। बोल बस फिर वैसे ही ना, तो अगर मैं बार बार दो प्लांट के वैरायटी है, दो एक में लीफ कम है एक में लीफ ज्यादा है, तो एक लीफ ज्यादा वाली ले ली, दूसरी भी लीफ ज्यादा वाली ले ली, तो लीफ ज्यादा ज्यादा को ज्यादा से दोनों को क्रॉस करा रहा हूँ, तो ज्यादा वाला कैरेक्टर की अहमियत मिल गई ना, देखे ना उसको जैसे सर कैल और क्या? लीफ की क्वालिटी है जिसको, जैसे सर आपने बताया कैल है, उसकी लीफ की एक्चुअली क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई जिसकी वजह से वो एडिबल हो गई है, हाँ मैसेज ऐसा कह वाले। सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि लीफ वाले कैरेक्टर को चूज किया,
खूब लीफ लीफ लीफ, मतलब कि बाकी कैरेक्टर्स को हमने चुनने किया जिसमें लीफ डोमिनेंट थी या लीफ ज्यादा थी उसको क्रॉस कराते गए, तो लीफ वाला पार्ट प्राइमरी हो गया, बाकी सेकेंडरी रह गए। सर हमें ये कैसे पता चला वाइल्ड मस्टर्ड से ही वो इवॉल्व हुई है ऐसे करके? डीएनए एनालिसिस, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब वो क्या होता है वो मैं तुझे नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन के बाद सीखा था, है तो बड़ा आसान चीज लेकिन अब वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है। तो वो बहुत सिंपल, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक बड़ा ही सिंपल मेथड है जिससे मैं बता सकता हूँ कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, कितना क्लोजली रिलेटेड है, कितना दूर से रिलेटेड है। मेरे पास सारे ऑर्गेनिजम्स का ना डीएनए डेटा के फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं किसी का भी डीएनए उठा के, ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसी, किस स्पीसी का उठा के डीएनए उठा के किसी की स्पीसी के डीएनए से कंपेयर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि कौन किसके क्लोज है। सर जो आपने बीकानेरी और मेरिनो का एग्जांपल दिया दोनों शीप्स का, सर जो इनका क्रॉस होगा वो नेचुरल होगा क्या? होगा नेचुरल? यस सर। देखो नहीं, नेचुरल तो नहीं होता, नेचुरल नहीं होता और हो भी सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि नेचुरल बनाया गया कैसे बनाया गया, बस मुझे इतना पता है कि क्रॉस से बनाया गया। लेकिन जनरली जनरली जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं नेचुरल के नहीं जाता, बहुत मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आई ऑलवेज गो फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी हम उसको अलग कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, जैसे आपने बताया एक की इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी और दूसरे की मिल नहीं कर सकते ना, ना नहीं कर सकते, हिट एंड ट्राई है, ऐसे नहीं हो सकता हिट एंड ट्राई है। अच्छा सर, मतलब मैं ये पूछ रहा था जैसे कि जो ये मैरिनो उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और जो बीकानेरी है उसकी मिल्क कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, दोनों को मिलाकर सर ऐसी शीप बनी जिसकी मिल्क कैपेसिटी भी कम है और इम्यूनिटी भी कम है। बनी होगी, उसको सेलेक्ट नहीं किया ना, बनी होगी ना, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया हमने, तो सारी खराब वैरायटी डिसलेक्ट कर देते हैं ना, हमें तो चाहिए हम उसको रखते हैं और फिर हम ये नहीं हम हमने जिसको रखना था उसी को रखते हैं, बाकी को डिसलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको भी लाते हैं, फिर दूसरे को लाते हैं, आपस में फिर क्रॉस कराते हैं। ये पूरा पढ़ेंगे आप इसको, इसमें इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग करते हैं जो हमने किया ना, इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। फिर क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो हम करते रहते हैं जब तक हमारी डिजायर्ड नहीं आ गई, जब हमारी डिजायर्ड वाली आ जाती है, ठीक है ना, ऐसी मल्टीपल आ जाती है, फिर उनमें इनब्रीडिंग कराते हैं, सुपीरियर सुपीरियर को चूज करते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं, फिर वो स्टेबल हो जाती है। ये पढ़ो कि आप ब्रीडिंग मिल जाती है, गॉट इट सर। फिर जो हमें जो डाले मिली थी वो प्योर हमें मिल जाती है एक टाइम बाद। हाँ, बहुत बढ़िया, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने के लिए हम प्योर लाइंस बना रहे थे, इसको प्योर लाइन कहते हैं, पढ़ा होगा आपने बॉटनी में। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। तो ये कहानी अब खत्म हो गई। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास हार्डी इनवर्स का। अच्छा अभी एविडेंसेस ऑफ इक्वेशन खत्म नहीं हुए, मैं एविडेंसेस ऑफ इक्वेशन पे और बात करना चाहता हूँ। अब एविडेंसेस ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आपको मैंने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी बता दी, एडाप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और ये थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सब बता दिया। अब अगला जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हमारे पास है बहुत ही सिंपल सा है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, सिंपल सा बायोलॉजिकल एविडेंसेस। और बायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल एविडेंस है, डेवलपमेंटल, और इसमें हमारे पास कौन सा लॉ है, द बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल, बाय किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हेकल। और लॉ क्यों बोलते हैं, लॉ बहुत ही सिंपल है, बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, आइए इस लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि ये लॉ क्या कह रहा है। ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पैटर्न, स्टडी ऑफ
आप कह सकते हैं ये गेस्टेशन या सॉरी जेस्टेशन, स्टडी ऑफ जेस्टेशन यानी डेवलपमेंट पैटर्न, एम्ब्रियोलॉजी है ना, उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. रिकैपिचुलेट, याद दिलाती है, इन शॉर्ट रिकैप. रिकैप तो जानते हैं ना आप लोग, अब टीवी सीरियल कभी कभार आपने देखे होंगे, ठीक है, जब आप छोटे रहे होंगे अभी भी देखते होंगे कि उसमें आता है कि पिछली बार देखा आपने ये 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 ये, अब आगे तो जो आपने पिछली बार देखा फलाना ढकाना जो भी बताते, दैट इज रिकैप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिकैपिचुलेशन, वापस से याद दिलाना, ठीक है ना. ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन, फाइलोजेनी मतलब फाइलोजेनी क्या है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन कैसे कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है. तो डेवलपमेंट की जब स्टडी करते हैं तो वो मुझे रिकैपिचुलेट कराती है, मतलब याद दिलाती है फाइलोजेनी, द इवोल्यूशनरी पैटर्न. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सरल और सिंपल है. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग क्या करो, एम्ब्रियोस ले लो, किसके, फिश का एम्ब्रियो ले लिया, एम्फीबियन का एम्ब्रियो ले लिया, रेप्टाइल का एम्ब्रियो ले लिया, मैमल का एम्ब्रियो ले लिया, चारों के एम्ब्रियो ले लिए, चारों के एम्ब्रियो जब मैंने पहले हफ्ते में देखे, जब मैं पहले हफ्ते में चारों के एम्ब्रियो देख रहा हूं, उन सबके एम्ब्रियो ऐसे ही दिखेंगे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, मतलब अगर आप 1 वीक एम्ब्रियो ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स देखो, ठीक है ना, तो उन चारों के एम्ब्रियो एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में, आप पहचान ही नहीं सकते देख के, अब डीएनए एनालिसिस करो तो पता चलेगा, देख के आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा एम्ब्रियो फिश का, कौन सा एम्फीबियन का, कौन सा रेप्टाइल का, कौन सा मैमल का, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, इट्स नॉट पॉसिबल. अब आप टाइम बीच में दो, थोड़ा टाइम बीतेगा तब आप देख के बता पाओगे, अच्छा ये फिश का है, ठीक है ना, ये एम्फीबियन का है, ये रेप्टाइल का है, और ये अभी भी काफी टाइम तक आप एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल के एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. फिर थोड़े टाइम बाद स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारा टाइम जब बीतता चला जाएगा, फिर आप थोड़ा बहुत बता पाओगे कि हाँ ये ह्यूमन जैसा है, ये रेप्टाइल जैसा है, ये पूंछ आ गई, ये रेप्टाइल जैसा हो गया, ये बिना पूंछ का थोड़ा सा उस तरीके का है, ये एम्फीबियन हो गया, ये मछली जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद आप बता पाओगे. तो कहने का मतलब ये है, मेरी बात ध्यान सुनेगा, जब मैं एक मैमल का एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखता हूं तो मुझे उसमें शुरू में फिश लाइक फीचर नजर आते हैं, फिर एम्फीबिया लाइक फीचर नजर आते हैं, फिर रेप्टाइल लाइक आते हैं, और फिर उसके प्रॉपर मैमल लाइक आते हैं. मतलब उसका जब एम्ब्रियो के अंदर जमा लो, उसकी किडनी डेवलप करती है, तो किडनी पहले प्रोनेफ्रिक होती है लाइक साइक्लोस्टोम, फिर मीजोनेफ्रिक होती है जस्ट लाइक फिशेस एंड एम्फीबियंस, फिर मेटानेफ्रिक होती है लाइक रेप्टाइल्स, और ऑफ कोर्स फिर मॉडिफाई होती है लाइक प्रॉपर्ली लाइक मैमल्स, मेटानेफ्रिक ही लेकिन एक बेटर तरीके की. किडनी छोड़ो, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप करता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट पहले फिश जैसा, फिर एम्फीबियन जैसा, फिर रेप्टाइल जैसा, फिर मैमल जैसा. हार्ट देख लो, ब्रेन देख लो, हार्ट पहले 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर और फिर 4 चैम्बर. मतलब मैं जब मैमल की डेवलपमेंट देखूंगा एम्ब्रियो की, तो उसमें मुझे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स तीनों की स्टेजेस नजर आएंगे, क्योंकि वो उनके तीनों तरह से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है. उसमें टेल भी नजर आएगी, गिल स्लिट्स में नजर आएंगी, है ना. जब मैं रेप्टाइल के देखूंगा डेवलपमेंट, तो उसमें मुझे फिशेस, एम्फीबियंस के फीचर्स नजर आएंगे. एम्फीबिया का देखूंगा तो उसमें फिशेस के फीचर्स नजर आएंगे. आ रही बात समझ में? तो ये चलता आ रहा है. हाँ, आप रेप्टाइल का, आप अगर रेप्टाइल का डेवलपमेंट देखोगे, या लेट्स से आप किसी लेट्स से आप एम्फीबिया का डेवलपमेंट देखोगे, उसमें मैमल फीचर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एडवांस्ड है, बाद में आए हैं. लेकिन मैमल के डेवलपमेंट में आपको सारे वर्टिब्रेट्स के फीचर्स बनते हटते नजर आएंगे, क्लियरली नजर आएंगे. आप साफ साफ देख सकोगे किस तरीके से चीजें क्या हुई, इवॉल्व हुई है, किस तरीके से ब्रेन इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से हार्ट इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से किडनी इवॉल्व हुई है, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं. तो यही है कि डेवलपमेंट याद दिलाती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. सो दैट इज द अर्नेस्ट हेकल का लॉ, द बायोजेनेटिक लॉ, और यही हमारा डेवलपमेंटल एविडेंस. किसी को कोई डाउट?
सर हाँ जी सर सर जो ह्यूमन फीटस में टेल डेवलप होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, उसी वजह से ही है ऑटोगैनी रैपिडुला पैरोजिनी क्या सर, उसी का एग्जांपल है ना ये, कि एवोल्यूशन हमारा उससे हुआ है, मैमल्स का पहले सेम था डेवलपमेंट ऑफ हाँ टेल। हाँ डेवलपमेंट ऑफ टेल इसलिए आया क्योंकि रेप्टाइल्स में थी, फिशेस में थी, एम्फीबियन में थी, इसलिए करेक्ट है। बाय सर, सब क्लियर हो गया आपको? मतलब सर आपको बात, हाँ जी बोलिए। सर हमने एवोल्यूशन के लिए पेलियंटोलॉजी वर्ड नहीं यूज किया था। कौन बोल रहे हैं? सर चैने का बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल्स के लिए क्या प्रोड्यूस किया था? ठीक है सर, तो हो गई क्या
ओके तो बात कर रहे हैं बायो जियोलॉजिकल एविडेंसेस की, और बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जियोलॉजिकल एविडेंसेस एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है सर? पहले आप इस तरह समझिए, मैं कैमरा ठीक करूंगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है कि पहले अर्थ के ऊपर जो लैंड मास है वो सारा का सारा लैंड मास सेम था, एक साथ ही था। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसपे जितनी सारी चीजें वो प्लेट्स पे टिकी हुई हैं, ठीक है ना, प्लेट्स मूव करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह भी आते हैं, ठीक है ना, अर्थ अंदर मॉल्टन लावा है जो घूमता है। तो ऐसा कहा गया है कि पहले लैंड सारा का सारा एक साथ था, ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ ब्लैकबोर्ड पे देख सकते हैं तो ये सारा का सारा ये पूरा डायग्राम ये पूरा एक लैंड मास था, ये पूरा आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एक ही लैंड था, और इसको बोलते हैं पैंजिया। पूरे का पूरे को पैंजिया बोल सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, जहां पे ये नॉर्थ अमेरिका है मतलब उस टाइम का, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप और एशिया मिलकर का यूरेशिया, ये नीचे अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये छोटा सा यहाँ पे इंडिया, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे का सारा जितने धरती पे जितना जितने सारे कॉन्टिनेंट है सारे के सारे एक साथ, ठीक है ना, एज अ सिंगल लैंड मास। फिर क्या हुआ, फिर ये प्लेट्स मूव करी, प्लेट्स मूव करी तो कॉन्टिनेंट टूटे, पैंजिया दो पार्ट में टूट गया, ठीक है ना, लॉरेशिया ऊपर वाला लॉरेशिया, लॉरेशिया ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, और नीचे तीन टुकड़े हुए, अंटार्कटिका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग और इंडिया अलग, ये हो गया गोंडवाना, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब स्लोली ग्रेजुअली उसके बाद ये कॉन्टिनेंट स्लोली ग्रेजुअली और मूव किए, और मूव करते करते आज उस तरीके से अरेंज हो गए। हालांकि मेरी ज्योग्राफी ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन जितने भी ठीक ठाक है मैंने बनाया है। अब ये आज का दिखता हुआ वर्ल्ड मैप है, यहाँ से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे आज का दिखता हुआ वर्ल्ड मैप है, ये यूरोप है, ठीक है ना, सॉरी ये एशिया है और यूरोप है, यूरेशिया है जो साथ में है, ठीक है ना, यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं लेकिन जगह एक ही है। अच्छा, इंडिया क्या हुआ, ये इंडिया जाके एशिया से टकरा गया। अब इंडिया जहाँ पे एशिया से टकरा है ये चारों अलग अलग हो गए भाई, ये चार टुकड़े अलग हो गए ना, ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका अफ्रीका, एशिया ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये चार बन गए, एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये चार टुकड़े हो गए। और जो इंडिया था ये छोटा सा इंडिया, ये जाके एशिया से टकरा गया, इनसे टकराया एशिया से, और जब ये एशिया से टकराया तो जब दो चीजें टकराएंगी तो फिर वहां पे लैंड मास इकट्ठा हो जाए, और इस लैंड मास के इकट्ठा होने से क्या बना, हिमालयास। तो ये बन गए यहाँ पे हिमालयास, ठीक है ना, तो हिमालयन रेंज आ गई यहाँ पे, हिमालयास आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया का मुख कर गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे मुख कर गया, और अंटार्कटिका और नीचे मुख कर गया, ठीक है। तो आज हमने पूरे के पूरे ये जो वर्ल्ड मैप है इसको हमने क्या कहते हैं, एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, या बायोडायवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ पे किस तरीके एनिमल्स रहते हैं, कैसा टेम्परेचर होता है, हमने इसको कुछ रियाल्म्स में बांटा है। किसमें बांटा है, रियाल्म्स में, RELMS, रियाल्म्स। ये रियाल्म्स कौन कौन से, ये रियाल्म्स हैं ऊपर वाला जो जिसमें एशिया वगैरह यूरोप आ रहा है, पैलियाटिक, फिर इंडिया वाला जो रीजन है, इंडिया चाइना और ये बांग्लादेश भूटान है ना, नेपाल, ये सब श्रीलंका, ये सब किस मारे ओरिएंटल रीजन में, ओरिएंटल आपको पता भी होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है ना, ओरिएंटल रीजन मतलब लटा ओरिएंटालिस मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला कॉकरोच, तो ओरिएंटल रीजन में आ रहे हो, ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया, पैलियार्कटिक रीजन हो गया, पैलियार्कटिक। ये नॉर्थ अमेरिका वाला क्या हो गया, नियो आर्कटिक हो गया, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बुलाते हैं, होलो आर्कटिक बुलाते हैं, होलो आर्कटिक कंप्लीट आर्कटिक, इसको बोलते हैं नियो ट्रॉपिकल। अफ्रीकन रीजन को हम कंबाइंडली क्या बोला सकते हैं, इथियोपियन रीजन, और इस वाले को क्या बोला सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन, जिसमें न्यूजीलैंड भी आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब दो चीजें और याद रखनी इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला कि ओरिएंटल रीजन को पैलियाटिक रीजन से क्या अलग करता है, तो आंसर इज हिमालयास, हिमालयास देखो सब जगह कुछ ना कुछ अलग कर रहा है,
कहीं सी आ रही है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि ओरिएंटल को, क्योंकि ओरिएंटल हमारा रीजन है तो हम उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, ओरिएंटल को पैलियाटिक से, एशियन से कौन अलग करता है? तो आंसर आना चाहिए हिमालय, हिमालय रेंजेस ओरिएंटल को पैलियाटिक से अलग करती है। दूसरा सवाल, ओरिएंटल को ऑस्ट्रेलियन से कौन अलग करता है? तो एक इमेजिनरी लाइन है, किसने दी है? अल्फ्रेड वैलेस ने। याद है अल्फ्रेड वैलेस, मैंने आपको डार्विन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि अल्फ्रेड वैलेस ने भी सेम रिसर्च करी थी, बस मलाया आर्ची पे लागू पे की थी रादर देन गैलापागोस। तो वही अल्फ्रेड वैलेस है, उन्हीं की इमेजिनरी लाइन है वैलेस लाइन। तो क्या है वैलेस लाइन? जो ऑस्ट्रेलियन रीजन और ओरिएंटल रीजन को क्या करती है? अलग करती है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए कौन से साइंटिस्ट को तो क्या कहते हैं सराहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट कि हाँ कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, ये बात कही गई थी भाई अल्फ्रेड वैलेस, सॉरी अल्फ्रेड वैगनर। ये तो वैलेस थे ना, वैलेस नहीं, अल्फ्रेड वैलेस से पहले एक और साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वैगनर, WAGNER। तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये वाली बात कही है किसकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इससे मैं बताता हूँ प्रूफ क्या क्या करते हैं। देखिए किस लिए इंटरेस्टिंग है, हम पहले सोचते थे, पहले हमारा सर्वप्रथम सोचते थे कि कुछ एनिमल्स जैसे कि लेट्स एग्जांपल लंग फिशेस, कि लंग फिशेस सिर्फ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में ही क्यों मिलती है। मतलब लंग फिशेस है उसकी वेराइटी है 3 तरीके की, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश एंड साउथ अमेरिकन लंग फिश। हमें समझ में नहीं आता कि वो इन तीनों रीजन में मिल रही है और तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, मतलब इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, तीनों का टेम्परेचर अलग है, लेकिन वो तीनों जगह मिल रही है। मतलब बड़ा ही डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है लंग फिश का। भाई होना तो क्या क्या यहाँ, अच्छा अगर यहाँ थी तो इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ मैच है तो यहाँ ठीक है, तो अगर यहाँ है तो एंटार्कटिक में भी नीचे, यहाँ भी नीचे, मतलब जब इसका यहाँ वाले का टेम्परेचर या कंडीशंस मान लो इस वाले हिस्से से मैच कर रही है या इस वाले से मैच, या इस वाले से मैच कर रही है, या यहाँ की वैल्यूज जो है यहाँ मैच कर रही है, तो फिर वो हर जगह नीचे थी, तो वो इन 3 जगह पे क्यों है, उनका इतना डाइवर्स इतना वो क्यों है, पहले हम नहीं समझ पाते थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये वाज एन आंसर, ये तीनों पहले साथ में ही थे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है इनके फ्लोरा और फौनास, इनके एनिमल्स काफी ज्यादा मैच करेंगे, स्पेशली कौन से मैच करेंगे, ये इन दोनों के, क्योंकि तो ये तो काफी देर तक साथ रहे हैं, और अगर आप इन दोनों को जोड़ दो आपको साफ दिखेगा कि ये दोनों पहले साथ में रहेंगे। तो यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स और यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स जनरली क्या रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। फॉसिल्स भी क्या रहते हैं? सिमिलर रहते हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल लंग फिशर्स का है कि 3 जगह मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, और तीनों जगह मिल रही हैं, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों का एनवायरमेंट अलग, और तीनों जगह मिल रही है ना, तीनों का एनवायरमेंट अलग है ना, लेकिन तीनों जगह वो मिल रही है। तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, और ये इसका पहली समझ में आता था, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट गिव एन आंसर टू द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लंग फिशेस। इतना ही नहीं, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक सवाल बहुत बड़ा अहम था हमारे पास कि आखिरकार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलते हैं मैमल्स, मतलब मार्सुपियल्स, सिर्फ मार्सुपियल्स ही नहीं एग लेइंग मैमल्स भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी पूरे वर्ल्ड से वो गायब है, पूरे वर्ल्ड से गायब है, पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी मार्सुपियल्स नहीं मिलेंगे, ना यहाँ 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 कहीं नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। तो एक सवाल था हमारा कि आखिर तक क्यों क्यों सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी दिया जाता है बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसका आंसर ये है कि जिस टाइम पे मतलब मीजोजोइक एरा के बाद, अप्रोक्सीमेटली मीजोजोइक एरा एक एरा है ठीक है ना, जिसके बाद सीनोजोइक एरा आया है जब मैमल्स डोमिनेट हुए, ठीक है। तो मीजोजोइक एरा के बाद जब ये चीजें चल रही थी, ठीक है ना, सीनोजोइक एरा आने को था, उस टाइम पे क्या हुआ ये सारे जो उस टाइम पे मैमल्स सारे तरीके के थे, उस टाइम मैमल्स मेनली उस टाइम पे ट्रू मैमल्स नहीं आए थे, उस टाइम पे मैमल्स 2 ही तरीके के थे, एक एगलिंग, दूसरे मार्सुपियल्स। तो एगलिंग और मार्सुपियल्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो पूरे वर्ल्ड में
यहाँ समझ लो यहाँ पर प्रोथीनियंस भी हैं और मार्सुपियल्स भी हैं, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है प्रोथीनियंस एंड मार्सुपियल्स। उसके बाद क्या हुआ, ट्रू मैमल्स आए। कौन आए? ट्रू मैमल्स। अब ट्रू मैमल्स क्योंकि उनका डेवलपमेंट सारा बॉडी के अंदर हो रहा है तो उनके पास एक एडवांटेज है सर्वाइवल का। तो ट्रू मैमल्स ने कॉम्पिटिटिवली कॉम्पिटिशन कर करके प्रोथीनियंस को एक्सटिंक्ट कर दिया, मार्सुपियल्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। लेकिन ये काम होते होते तक क्या हुआ, ये काम होने से पहले ही या होते होते तक ये टूट गया, अलग हो गया। अब जैसे अलग हो गया, एक तो बन गया एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका ने तो फेवर ही नहीं किया डेवलपमेंट, तो वहां से सारे हट गए। ठीक है, बचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अब अलग जाके बस गया, तो क्योंकि वो अलग जाके बस गया फुल ऑफ रिसोर्सेस, तो वहां पर क्योंकि मार्सुपियल्स थे, क्योंकि वहां पर प्रोथीरियंस थे, तो वहां यूथीरियंस इवॉल्व ही नहीं हुए। यूथीरियंस के एवोल्यूशन से पहले ही ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। अब क्योंकि यूथीरियंस के एवोल्यूशन से पहले ही ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, तो उन्होंने कोई कॉम्पिटिशन फेस नहीं किया, कोई एक्सटिंक्शन फेस नहीं किया, इसलिए वहां प्रोथीरियंस और मार्सुपियल्स रहे और थ्राइव किए और फूले फले। ठीक है ना, और अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं हुई है कि उनको कोई नई वैरायटीज लेकर आनी। लेकिन बाकी सारी जगह पर ठीक है, ट्रू मैमल्स इवॉल्व हुए और ट्रू मैमल्स ने इवॉल्व होके क्या किया, एक्सटिंक्ट कर दिया बाकी के सारे मार्सुपियल्स और प्रोथीरियंस को। तो इसीलिए आपको क्या कहते हैं, ये मार्सुपियल्स और एंग्लिंग मैमल्स सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये रीजन पहले ही अलग हो गया था, इससे पहले ट्रू मैमल्स डोमिनेट होते, उससे पहले ये अलग होके फुल ऑफ रिसोर्सेज एकदम अलग हो गया और इसने तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। So, continental differences answer कि why marsupials are only found in the Australian region. तो उसका solution ये है कि बाकी वहाँ पर वो try भी नहीं किए यूथीरियंस ज़्यादा, क्योंकि already resources बहुत थी, ठीक है ना? तो उनके ज़्यादा वो marsupials को extinct करे वो वाला मौका नहीं आया। एक organism दूसरे को extinct तभी करता है जब resources क्या होती हैं, बहुत ही limited होती हैं। अगर दो अलग अलग वेराइटी जो एक ही खाना खाते हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए खाना भरपूर हो, ठीक है, तो कभी भी पहला कभी भी लड़ाई की बात नहीं आती, कभी कंपटीशन की बात नहीं आती, एक दूसरे को एक्सटेंड कभी नहीं करता, ठीक है ना? तो ये तभी होता है जब खाना लिमिटेड लिमिटेड होता है, और खाना लिमिटेड होता है ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तभी दूसरे के एक्सटेंड की बात आती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको क्या याद रखना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो एशिया था पैंजिया था, ठीक है ना, आपको याद रखना है ये रियाज है पेरियार्टिक नियोआर्टिक ओरिएंटल इथियोपिया न्यू ट्रॉपिकल और ऑस्ट्रेलिया। कोई आपसे पूछ लेता है कि साउथ अमेरिका वाले रीजन को क्या बोलते हैं, दैट इज न्यू ट्रॉपिकल। अफ्रीकन रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक इथियोपियन। इंडिया वाले कौन से वाले रियान के अंदर आएगा, ओरिएंटल, है ना? एशिया कौन से वाले रियान के अंदर आएगा, पैलियार्टिक। तो वो आइडियाज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रियान है। आपको बैलेंस लाइन पता होना चाहिए किसको अलग करती है, ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल को। आपको पता चाहिए होना चाहिए कि ओरिएंटल और पैलियार्टिक को कौन अलग करता है, आंसर इज हिमालयस। तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए ओवरऑल अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। किसी को कोई डाउट? That is all about the evidences of evolution. Evolution के evidence के बारे में इतना ही है। आगे हम next topic पढ़ेंगे, hard evening block. Sir? हाँ जी अमन बताइए। Sir, जैसे आपने बताया extinct नहीं हुए प्रोथेरियंस ऑस्ट्रेलिया में और एग्लिंग मैमल्स, तो सर यूथेरियंस डेवलप नहीं हुए, सर ऐसा क्यों हुआ? वो साथ साथ जो एवोल्यूशन चल रहा था वो तो चलता रहता ना। देखो मैं बताता हूँ, मान लो दो लोग हैं, मैं ये नहीं कहा कि वो डेवलप नहीं हुए, मैंने ये कहा कि उन्होंने प्रॉपर कंपटीशन फेस नहीं किया जो पूरे वर्ल्ड ने फेस किया। पूरे वर्ल्ड ने कंपटीशन फेस किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन क्योंकि वो अलग हो गया पहले, उसने वो कंपटीशन फेस नहीं किया ऑफ किसमें रिसोर्सेस कम हो और ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो। इसकी वजह से वहां पर मार्सुपियल्स में कोई भी संकट नहीं आया और यूथीरियंस ने या ट्रू मैमल्स ने वहां पे मार्सुपियल्स को अलग नहीं किया या उनको एक्सटिंक्ट नहीं किया, कंपटीशन कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड नहीं किया। ये सेम रीजन है कि सेम इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि क्यों व्हाई क्यों गैलापागोस आइलैंड पे क्या कहते हैं गैलापागोस आइलैंड पे ये क्यों मिलती हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसका भी यही आंसर है कि गैलापागोस आइलैंड एकदम ही अलग आइलैंड है, आइसोलेटेड आइलैंड है, वहां पे बाकी
कॉम्पिटिशन नहीं चलते जो बाकी देश दुनिया में चलते हैं, तो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूडेड है, इसलिए आज भी वहां भी पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म आपको वही मिलेंगे जो दीन दुनिया से एकदम अलग हो चुके हैं, और नॉर्मल कॉम्पिटिशन जो दुनिया में चल रहा है उससे वो एकदम अलग है। Just give me 2 minutes, I'll be back. कोई डाउट तो पूछ ले बना कर। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट आगे आगे बात करें। तो यहाँ पे हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन खत्म हो गए, ठीक है, मतलब कि जितने एविडेंसेस थे मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक। अब जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक्चुअली मुझे ना फोन की बैटरी लो हो गई है एंड ये बंद हो जाएगा फिर, इसलिए आई विल जस्ट पुट इट ऑन चार्ज। हेलो, हाँ बेटा बोलिए, क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। हाँ हर जी बताइए। बस कुछ नहीं सर, एक बच्चे से पता करना था, प्रीत कुमार के नाम से कौन है बेटा? प्रीत कुमार के नाम से कौन है ये? साक्षी, यमुना विहार, लक्ष्मी नगर, पूरा नाम बताओ अपना। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है ना? ओके okay।
आई सपोज ये सारी बातें सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, और अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। और आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि आजकल पहले पर आजकल पेपर कॉन्सेप्चुअल हो गया है, तो उस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी आरडी ग्रीनबर्ग लॉ। अब है मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। इसमें बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स करूंगा मैं, तो बस आपको समझना है और न्यूमेरिकल्स करने हैं एक दो इस वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। और आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। आप साइंटिस्ट हैं, आप सारे एविडेंसेस खत्म हो गए, एक टॉपिक पे चल रहे हैं, इसका नाम है हार्डी ग्रीनबर्ग लॉ। हार्डी ग्रीनबर्ग लॉ, हार्डी ग्रीनबर्ग दो साइंटिस्ट है, हार्डी और ग्रीनबर्ग, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट है। इन्होंने एक लॉ दिया, क्या लॉ दिया, एक लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि अगर इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है ये आप मैथमेटिकली कैसे बताओगे। तो उन्होंने बोला कि इफ देयर इज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी या जीन पूल या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो रहा है तो इवोल्यूशन हुआ है, और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज नहीं हुआ है तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है। और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज लाने वाले जो जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स इवोल्यूशन कॉज करेंगे, और जो फैक्टर्स जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं ला रहे हैं वो इवोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये भी बोला कि कोई एक पॉपुलेशन के अंदर से अगर हटा दिए जाए वो सारे फैक्टर्स जो इवोल्यूशन कॉज करते हैं या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स हटा दिए जाए तो एक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, एंड इसका मतलब देयर इज नो इवोल्यूशन। तो मैथमेटिकली बताया है उन्होंने, एक तरीका दिया ये बताने के लिए कैसे पता लगाएं कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है। कैसे पता लगाएंगे, आपको सिर्फ क्या देखनी है, आज आपने एक पॉपुलेशन ली ए, उसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर आपने ये पीवी पॉपुलेशन दोबारा देखी ए कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 1000 साल बाद, और फिर उसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपने दोनों की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी मैच करी। अब अगर जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बदल गई है तो एवोल्यूशन हुआ है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है तो एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये कहने का मतलब है। और इवोल्यूशन कॉज क्या किया, मान लो इवोल्यूशन हो गया, मतलब पहले जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एक्स थी, अब जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, वाई हो गई है, तो इसको ये ए से ए डैश हो गया है, तो इसको ए से ए डैश बनाने वाला, मतलब नया पॉपुलेशन बनाने वाला कुछ फोर्सेस है जो इवोल्यूशन को क्या कर रही है, कॉज कर रही है। क्लियर हो रही है बात, समझ में। और ये फोर्सेस, ये फोर्सेस जो एवोल्यूशन कॉज करती है, एवोल्यूशन की वजह बनती है, वो कौन कौन सी है, वो वजह उसने बताई कि सबसे पहले जो वजह है एवोल्यूशन कॉज करने की वो है नेचुरल सिलेक्शन, और जो वजह है एवोल्यूशन कॉज करने की वो है म्यूटेशन। उसने बोला एक है जीन फ्लो, ठीक है ना, एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और एक है रिकॉम्बिनेशन। एक दो तीन चार हो गए ना, चार हो गए ना, चार, एक दो तीन चार, और पांचवा है रिकॉम्बिनेशन।
और एक मैं आपको बताया था नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, सेक्सुअल सिलेक्शन ये भी मैंने ऐड कर दिया, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन होता है। तो इन टोटल इवोल्यूशन कॉज करने वाले यानी जेनेटिकली इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी तो क्या डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले और जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाने वाले या इवोल्यूशन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। ये हैं वो सारे फोर्सेस या रीजंस जो इवोल्यूशन को क्या करेंगे, कॉज करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन तो पढ़ चुके हैं, इसके तीन टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, म्यूटेशन आपको आइडिया है थोड़ा और दे दूंगा, जीन फ्लो भी थोड़ा सा बता दूंगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें फोकस करना है, रिकॉम्बिनेशन आपको पता है, सेक्सुअल सिलेक्शन दो लाइन का है। तो मेन हमें फोकस क्या समझना है इसके अंदर, मेन हमको समझना है थोड़ा सा जीन फ्लो, जीन फ्लो किसको कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थोड़ा सा आइडिया होगा आपको बस, और सेक्सुअल सिलेक्शन तो एक दो लाइन का आपको पता भी है कि सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब कि जहां पर कोई किसी पार्टनर को किसी कैरेक्टर के वजह से सिलेक्ट करे, ठीक है, उसमें भी आएंगे। सबसे चीज समझने वाली यहाँ पर जितनी सारी चीज है सब में जो आपको मेन समझनी है वो है जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, इसी का सारा खेल है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जीन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, यही पॉइंट समझना है, अगर आप ये समझ गए जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आपको हार्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई सपोज आपने लिख लिया होगा, उसको मिटा दूं मैं, यस और नो सर, रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? यस, सर yes. सर जो ये जीन फ्रीक्वेंसी वाला इसने फॉर्मूले से निकाला सर, ऐसे तो सर कुछ हर 20-30 इयर्स में थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा सर एवोल्यूशन, लेकिन सर उससे जरूरी नहीं है ना, आज 20-30 साल में स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशन का कितना हुआ, किस परसेंटेज से हुआ, जरूरी नहीं है उससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाओ। हाँ वही तो दिक्कत है ना, अरे उसके लिए तो बनाया हार्डी वीनबर्ग, समझ रही ना तू, कि दो पॉपुलेशन देख के मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें ये इवॉल्व भी कर रही है नहीं कर रही या कितनी स्पीड से कर रही है, तो मेरे को देख के तो पता चल नहीं रहा, लेकिन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी के आप कैलकुलेशन करके मुझे पता चल जाएगा, तो उसके लिए निकाला, इट्स अ मैथमेटिकल टूल टू कैलकुलेट इवोल्यूशन, गॉट इट सर, लेकिन इससे हम डायरेक्शनल नहीं पता कर सकते ना इवोल्यूशन का, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक पता आगे चेंजेस कैसे आएंगे, इसलिए हम अभी तक कैसे बदला, अभी तक किस डायरेक्शन में गया ये बता सकते हैं, लेकिन आगे किस डायरेक्शन में जाएगा वो अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि नेचर कैसे बदला हमें नहीं पता। हाँ हाँ नहीं बता जल्दी, सर इवोल्यूशन स्टोकेस्टिक नहीं है फिर? अरे तेरे को मैंने बोला कि मैं पता लगा सकता हूँ एग्जैक्टली, जो हो गया उसको फिर उसके तो डायरेक्शन बता देगी ना, ठीक है भाई, कोई इंसान मेरे घर पर आया, कौन सा रास्ता अपनाया वो तो पता है ना मुझे, आगे कौन सा जाएगा मुझे क्या पता, जैसे उसका मन करे, गॉट इट, एनी अदर डाउट, ओके। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही परेशान हो गए हम, आपको क्योंकि समझ में आए, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, गार्डन पी का, गार्डन पी आप सभी पढ़ चुके हो, गार्डन पी क्या साइंटिफिक नाम होता है मन पर गार्डन पी का, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, वेरी गुड, और स्वीट पी का, लेथायरस ओडोरेटस, बहुत ही बढ़िया, लेथायरस ओडोरेटस,
अभी हम 1800 डेल्टास की बात नहीं कर रहे, पाइथन से टाइमन की बात कर रहे, दैट इज द गार्डन ट्री। अच्छा एक दो सवाल और पूछ रहा हूँ, गरिमा जी आपको ज्ञान ज्यादा है तो आपसे पूछते हैं हम, एक बार बताइए गरिमा ये पाइथन से टाइमन क्यों इतना फेमस हुआ था? सर अमन पॉल गरिमा नाम है तुम्हारा सर, पाइसम से डायमंड से एक साल में ग्रो हो जाता है और उसके बंद कर लो माइक। हां करें मैं बताइए सर, पाइसम से डायमंड एक तो एनुअल प्लांट है और उसके जो F1 हाइब्रिड्स बनते हैं वो फर्टाइल। मैं वो सब नहीं पूछ रहा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं कि पाइसम से डायमंड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इतना पाइसम से डायमंड को इतना फोकस, मतलब कि Why it is important for its levels? Why? क्योंकि mainly उसी पे experiment हुए थे। Exactly, Mendel के genetics experiment उसी के ऊपर थे, father genetics से Mendel ने पाइसम से टाइप में इस्तेमाल किया था। क्यों इस्तेमाल किया था? उसका आंसर अमन पॉल दे रहा था कि वो क्रॉस क्रॉस बहुत जल्दी हो जाते थे और जल्दी प्रजनन आती है, प्लांट दिखाना, वो नहीं पूछ रहा था मैं तुमसे, ठीक है ना? अब मैं दूसरा सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ गरिमा, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे थे मेंडल ने पाइसम से डायमंड के अंदर से मेंडल के लॉ देने के लिए? सर प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉट, सात कैरेक्टर देखे थे ना, उसमें तुमने पहला नाम क्या लिया? प्लांट हाइट। सबसे आसान प्लांट हाइट आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया, क्या होता है प्लांट हाइट के अंदर? प्लांट हाइट कैसी होती है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? टॉल या डॉर्फ। अच्छा टॉल कब होगा, डॉर्फ कब होगा? सर टॉल तब होगा जब जो दो एलील्स हैं उसमें से कोई एक एटलीस्ट कैपिटल टी हो। ओके, मतलब कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, मतलब एलील्स दो ही है। एलील्स कितनी है? दो ही है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो ही एलील्स है, ठीक है ना? अब इनके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? स्मॉल टी, यही होगा बाकी ना? आया ना? यस सर। ये क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट भी नहीं इस बात, में? कुछ लोग साथ में रह रहे हैं, सो लेट्स से ये पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? मुझे एक जना चाहिए जो मेरे से बात कर सके। इस पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? सर चार। चार, ओके। एलील्स कितनी है? दो है। अच्छा आप लोग फ्रीक्वेंसी समझते हैं? फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है कितना नंबर टोटल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 70 बॉयज हैं 30 गर्ल्स हैं, तो बॉयज की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7/10। हाँ वेरी गुड, तुमने काट के बताया, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, 70/100। और गर्ल्स की क्या होगी? 30/100। टोटल कितनी होगी? 1। टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है ना? अगर मैं कुछ कोई भी एग्जांपल ले लूं, ठीक है ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1, ठीक? ये बात सबको क्लियर है? ओके अब मुझे बताओ, इसमें दो एलील्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, बात कर रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी की। मान लो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, तो ऊपर वाले पॉपुलेशन में
स्मॉल पी की वैल्यू क्या है और स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, देख के बताओ जरा। P is the frequency of dominant allele, Q is the frequency of recessive allele. तो यहाँ पे कितनी allele नजर आ रही है हम लोगों को? हर इंडिविजुअल की दो allele, इंडिविजुअल कितने हो गए? चार। तो टोटल allele कितनी हो गई? एट एट। तो टोटल allele कितनी हो गई? आठ। ठीक है, और उस आठ में कैपिटल T कितना है बेटा? चार, फोर। 4/8 तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, 4/8 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, एक दो तीन चार और 1 2 3 4, 4/8 ही क्या हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सी एलील? दी रिसेसिव एलील। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो उसमें पी इस पी को क्या बोलते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of dominant allele. And Q को क्या बोलते हैं? frequency of recessive alleles. ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, frequency of dominant allele and frequency of recessive alleles. अब आ जाते हैं genotype पे। अब इन allele से तीन तरीके के genotype बने, ठीक है, clear है point? अब frequency को frequency से multiply करते हैं कि अब कैपिटल डी डोमिनेंट होमोजाइगोट्स, डोमिनेंट होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं पी स्क्वायर। याद रखना मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर की बात नहीं कर रहा। यहाँ फ्रीक्वेंसी 4/8 है, 4/8 है मतलब इन शॉर्ट 1/2 है, मतलब आधी एलील कैपिटल डी है आधी एलील स्मॉल डी है। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी और नंबर में फर्क होता है। अगर मैं बोलू कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी 1/2 है, ठीक है, और आपसे बोलूं कि 2000 अलील है टोटल, तो मुझे बताओ कैपिटल टी कितने होंगे? तो आंसर क्या आएगा? हजार। अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी 1/4 है और 1/4 है और टोटल अलील 2000 है, तो आंसर क्या आएगा? 1/4 × 2000, यानी आंसर कितना आएगा? 500। समझ गया ना? तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है किसी चीज की, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, और आपको टोटल नंबर पता है, तो आप उस तरीके के इंडिविजुअल्स निकाल सकते हो। ये आपको क्लियर है ना? तो फ्रीक्वेंसी अलग है और एक्चुअल नंबर अलग है। फ्रीक्वेंसी इसकी 1/2 है, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है इसका? कैपिटल टी का एक्चुअल नंबर क्या है? 4। अरे बस समझ में, फ्रीक्वेंसी इसकी अगेन 1/2 है, एक्चुअल नंबर क्या है? 4। तो एक्चुअल नंबर और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? फर्क होता है। समझ गए ना? कोई डाउट? हाँ कि ना? ओके, आपकी खामोशी को हाँ समझते हुए अब बात कर रहे हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सबको दिक्कत आ रही है आवाज में? मेरे को भी सब दिक्कत आ रही है। जेनेटिक फ्रीक्वेंसी तीन तरीके की होती है, कैपिटल डी, कैपिटल स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब सुना ध्यान से, आज की क्लास 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दिया, क्या दिया? मैथमेटिकली पी स्क्वायर दिया। क्या दिया? मैथमेटिकली पी स्क्वायर। ठीक है, मतलब अलील फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दो डोमिनेंट के लिए, तो आपकी आ जाती है कौन सी फ्रीक्वेंसी? होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, सिंपल पी स्क्वायर। और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐसे क्या बोल दिया? क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, क्यू स्क्वायर हो गया होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस मतलब सेम और स्मॉल टी का रिसेसिव, तो होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी। और जो हेटरोजाइगोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली नंबर देते हैं 2PQ। क्या देते हैं? 2PQ। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो मुझे ये बताओ कि इस वाली पॉपुलेशन में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/4। देख के, अगर मैं देख के बताऊं तो कैपिटल डी एक है, टोटल कितने लोग हैं? 4। लोग कितने हैं? 4। तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में आपने देखो अलील्स नहीं देखनी, आपने लोग देखने हैं, इंडिविजुअल देखने हैं।
अलीली फ्रीक्वेंसी में अलील दिखनी है, अलील हमेशा इंडिविजुअल के डबल होती है, 100 इंडिविजुअल है तो 200 अलील, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो अब अलील भूल जाओ, अब लोग देखो, लोग कितने, 4, कैपिटल टी कैपिटल कितना है, 1, तो कैपिटल टी कैपिटल की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/4, किसी को कोई डाउट आया ना, ओके, इस लिहाज से कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 1, 2, कितने में से, 4 में से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2/4, क्लियर। स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी है 1, कितने, 4 में से, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1/4, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। अब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, 1 होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां से कि p प्लस q इज इक्वल टू 1, और कैलकुलेट भी कर लो कि 4/8 + 4/8 इज इक्वल टू 8/8, दैट इज 1, 1/4 + 2/4 + 1/4 इज 2 × 3 × 4 = 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रूफ हो गया, सही है एकदम, टोटल फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी किसी पॉपुलेशन की, वेरी गुड। अब मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव दोनों को देख लो कि जो मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूँ और जो देखने में निकाल रहा हूँ क्या वो सही है, देखने से वो निकाल दिया 1/4 / 2/4 / 4/4, मैथमेटिकली देख लेता हूँ, पी की वैल्यू थी 4/2, क्या वैल्यू थी 4/8, क्या वैल्यू थी, पी की वैल्यू क्या थी 4/8, अब 4/8 को हम बोल सकते हैं 1/2, तो पी की वैल्यू क्या थी 1/2, तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैथमेटिकली क्या आती है 1/2 × 1/2, और 1/2 × 1/2 क्या होता है 1/4, पी स्क्वायर 1/4 है, ठीक है, तो मैथमेटिकली भी ट्रू हो गया। अच्छा क्यू स्क्वायर क्या होता है, क्यू क्या है 4/8, तो क्यू क्या हो गया 1/2, 4/8 क्या, तो 1/2 की बात हो गई। अब q स्क्वायर क्या हो गया 1/2 × 1/2 1/4, क्या q स्क्वायर 1/4 है, हां 1/4 है, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं 2pq, p क्या है 1/2, q क्या है 1/2, अच्छा pq क्या आया 1/2 × 1/2, दैट इज 1/4, और 2pq क्या आएगा 2 × 1/4, और 2 × 1/4 क्या हो जाएगा 1/2, तो 2pq जब मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है 2/1/2 आता है, यानी 2/4 और 1/2 एक ही बात हुई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने ये बताया कि आप चाहे मैथमेटिकली निकालो चाहे देख के निकालो, ठीक है, अब मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों मैच करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है हार्डी-वेनबर्ग लॉ के, जब भी आप क्वेश्चन करोगे हार्डी-वेनबर्ग लॉ जब भी पढ़ोगे तो आपने क्या देखना है, हमेशा याद रखना है कि p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, p square is the frequency of homozygous dominant individuals, q square is the frequency of homozygous recessive individuals, and 2pq is the frequency of heterozygous individuals. तो ये आपको याद रखना है कि p square का मतलब क्या है, q square का मतलब क्या है, 2pq का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, q का मतलब क्या है, मतलब ये 5 मतलब आपको पता होने चाहिए, और 2 फॉर्मूले की जो सिंपल है कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी 1 होगी, p² + 2pq = 1, p + 2 क्या हो गया 1, इतनी बात सब लोगों को क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपके लिए ये मिटा रहा हूं। अब आपने मेरे सवालों का जवाब देना है बस, और आपको समझ आ जाएगा। तो ये जेनेटिक फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या भाई इसे को इसको बोलते हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, कौन सी पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन नंबर ए की है। अब मैंने दो पॉपुलेशन बनाई, ए से दो पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, ए से फ्यूचर में दो पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, आइए देखते हैं ए कोई बी ए कोई सी, तो ये बी है और ये सी है, ठीक है, क्लियर पॉइंट में थोड़ा सा आपके लिए कैमरा थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, थोड़ा इसको मूव कर रहा हूं। ओके अब आइए देखते हैं, अब इसके इंडिविजुअल्स कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और इसके इंडिविजुअल्स कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी
स्मॉल टी, स्मॉल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके ये पॉपुलेशन हो गई पॉपुलेशन ए, ये हो गई बी, और ये पॉपुलेशन हो गई पॉपुलेशन नंबर सी. तो ये ए है, ये बी है और ये सी है. ओके फटाफट से सब लोग मुझे बताएंगे इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फॉर दिस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बी की पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2/4 भाई पी स्क्वायर इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है, अलील की हाँ. नहीं तो इंडिविजुअल टी कैपिटी कैपिटी कितने हैं? दो, कितने में से? चार में से. ठीक है ना, तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी? 2/4 वेरी गुड बेटा. फटाफट से बता दो मुझे 2PQ की फ्रीक्वेंसी, 2PQ की वैल्यू क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी 1/4 एक ही है, यही है बस चार में से, तो कितना हो गया बेटा? 1/4 वेरी गुड. अब मुझे फटाफट से बता दो कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखो इस पॉपुलेशन के लिए? 1/4 तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/4 तो ये वैल्यू आ गई जिस जेनेटिक फ्रीक्वेंसी आ गई है किसके लिए? फॉर द पॉपुलेशन बी. वेरी गुड. अब ये सेम चीज बेटा आप पॉपुलेशन नंबर सी के लिए बताएंगे. फटाफट फटाफट से बताइए किसकी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2/8 आएगी बेटा. आप बोल सकते हो एक तरीके से 1/2. ठीक है क्लियर. अच्छा क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? क्यू स्क्वायर 2/8 वेरी गुड. 2/8 इसको भी काट के हमने बोल सकते हैं 1/4. ठीक है क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? अब मुझे ये बताओ अब ए की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बी की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी से मैच करो. यहाँ पे पी स्क्वायर क्या था? 1/4 और बेटा यहाँ पी स्क्वायर क्या है? 1/2 क्या क्या यहाँ पे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर सेम है? नो सर डबल. अच्छा 2PQ क्या सेम है? 2PQ नो सर सेम नहीं है. 2PQ सेम नहीं है. ठीक है क्या क्यू स्क्वायर सेम है? यस सर क्यू स्क्वायर सेम है. अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रही है? नो सर मैच नहीं कर रही ना. ठीक है वेरी गुड. ओके क्या टोटल नंबर मैच कर रहा है? यस सर यस सर टोटल नंबर मैच कर रहा है, चार के चार ही लोग हैं. वेरी गुड. अच्छा अब ए को देखो और सी को देखो. यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 1/4. यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है? 1/4 मैच कर रही है. यस सर. अच्छा यहाँ पे 2PQ और 2PQ मैच कर रहा है. Yes, 2/4 is 1/2. 1/2 1/2 मैच कर गया. अच्छा क्या Q² और Q² मैच कर रहा है? Yes, sir. मैच कर रहा है. ठीक है तो क्या इसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है? Yes, sir. ओके नंबर की बात करो ये चार ये कितने हैं? 8. नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? No, sir. ओके अब मुझे सिंपल सा बेटा एक बात बता दो, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ. क्या लगता है कि किस ए से जब सी बना तो इवोल्यूशन हुआ या ए से जब बी बना तो इवोल्यूशन हुआ? वेरी गुड. तो ए से जब सी बना बेटा तो चाहे नंबर बढ़ गया वो तो बढ़ना ही है, लोगों ने रिप्रोड्यूस करना है, ग्रोथ तो होनी है. तो चाहे नंबर बढ़ गया लेकिन क्योंकि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बेटा सेम रही है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, इसका मतलब हार्डी विनबर्ग के हिसाब से, हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन के हिसाब से ए से जब सी बना है तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या रही है? सेम. यानी मैं कह सकता हूं ए और सी किसमें है बेटा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है. नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन दोनों का सम क्या है? बराबर. कोई जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आ रहा.
आ रही बात समझ में? तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि ए और सी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों में कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ रहा है। यही अगर आप ए और बेटा बी को देखो तो क्या ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो यही है कि जब जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बदल गई, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इवोल्यूशन हो गया। जब जेनेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इवोल्यूशन नहीं हुआ। इतना सा है हार्डी-वीनबर्ग का लॉ। और फिर हम अगली क्लास में देखेंगे कि बाकी फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को और किस तरीके से इवोल्यूशन कॉज करते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो ये कहेंगे कि नेचर ने कैपिटल टी को चुना है और हेटरोजाइगस को रिजेक्ट किया है, क्योंकि दोनों की एक की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एक की ज्यादा हो रही है। आप ये कह सकते हो कि ओरो ने हेटरोजाइगस को रिजेक्ट कर रही है, अगर इसी डायरेक्शन में चलती रही तो हो सकता है हेटरोजाइगस एक्सटिंक्ट हो जाए। ओके सर, समझ गया। कह सकते हो मतलब इस वाले के अंदर पी स्क्वायर की तरफ इवोल्यूशन हुआ है। किस तरफ हुआ है? प्लांट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात हो रही है एक केस के अंदर, टॉलनेस की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। सर एक डाउट था, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, जल्दी बोलो। सर नेल्स को भी वेस्टिजियल कह सकते हैं? इसको वन नेल्स, हाँ बाल और नाखून वेस्टिजियल, कोई काम नहीं तो नाखून ठीक है नहीं, पहले पहले था प्रोटेक्शन सर, पेड़। अब हमारे पास रफाल है तो प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन रफाल करेगा, नेल्स नहीं करेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? चलिए फिर सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।